हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम उस बारे में डिस्कस करते हैं। आज देखिए हम कवर करेंगे भौतिक विज्ञान में भाग 4, और इसमें जो टॉपिक करेंगे कवर वो करेंगे विद्युत धारा, चुंबकत्व, परमाणु भौतिकी, रेडियो सक्रियता, नाभिकीय विखंडन तथा संलयन। और ये सभी टॉपिक हम कहाँ से पढ़ेंगे, ये सभी टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे लुसेंट सामान्य ज्ञान बुक में से। और जो भी स्टूडेंट एस्पिरेंट पहली बार इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास ये बुक है तो अपने पास में इस बुक को रखें, और जो जो फैक्ट मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ उन सभी फैक्ट को आप अपने इस बुक में हाईलाइट करते चलें, अंडरलाइन करते चलें। क्योंकि वीडियो को देखने के लिए एक छोटी सी कंडीशन मैंने आप सभी के ऊपर अप्लाई करी है। ये कंडीशंस डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आपको शायद अभी इस बात का रियलाइज ना हो, लेकिन जब आप रियल एग्जाम देने जाएंगे, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और मेरी एक एक बात को अच्छे से फॉलो करेंगे, जी हाँ अच्छे से फॉलो करेंगे, जिसमें इस वीडियो को वॉच करना सम्मिलित है, और साथ में ही एक चीज और सम्मिलित करी है मैंने इसमें कि रिवीजन जरूर करना है। वीडियो को देखते समय हाईलाइट करना है, उसके बाद में तुरंत अभी दोबारा इस वीडियो को वॉच करना है केवल 2 बार। अगर डाटा की टेंशन अगर आपके पास ज़्यादा है, डाटा आपके पास कम होता है, 500 MB 400 MB आपको पर डे मिलता है, तो मुझे पता है कि आपने सब्सक्राइब बहुत चैनल कर रखे होंगे, क्योंकि बच्चे करते बहुत हैं। एक वीडियो पसंद आया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लिया, और काफ़ी बच्चों के पास में सब्सक्रिप्शन जो लिस्ट होती है, सब्सक्राइब की जो लिस्ट होती है 50-60 पहुँच जाती है। और मैं कहना चाहूँगा कि आप कम चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन जिसको आप सब्सक्राइब कर रहे हैं उसको तरीके से फॉलो करिए। जिस तरह से कंपटीशंस के स्टूडेंट बुक का ढेर लगा लेते हैं, वैसे ही कंपटीशंस के स्टूडेंट आज के टाइम पे अपने स्मार्टफोन में सब्सक्राइबर्स का ढेर लगा लेते हैं। मतलब चैनल सब्सक्राइब कर लिया, चैनल मतलब चैनल की एक लिस्ट बन जाती है उनके सामने, लेकिन वो किसी भी एक चैनल को ढंग से फॉलो नहीं करते हैं। मैं बस केवल यही कहूँगा कि जरूरी नहीं कि आप इस चैनल को फॉलो करें, फुल टाइम फॉलो करें, अच्छे से इस वीडियो को देखें या इसके अन्य वीडियो को देखिए, वो आप खुद डिसाइड करिए। जो भी चैनल आपके लिए यूजफुल हो, चाहे फिर मैथ पढ़ाता हो आपको कोई चैनल वाला, या फिर पढ़ाता हो GS या फिर इंग्लिश, जिसको भी सब्सक्राइब कर रखा है आपने उसको पूरी ईमानदारी से फॉलो करिए, उसके एक एक बात को ढंग से नोट करिए, उसके द्वारा बताए गए जो भी इंस्ट्रक्शन होती है, जैसे इंग्लिश का कोई भी रूल होता है तो उसको ढंग से टाइम पर रिवाइज करना है, ठीक है। तो मैं एक्चुअली ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी चैनल का, ना मैंने किसी का इसमें नाम लिया है। जो चीज़ सही लगी मैंने वही चीज़ बोली है आपको, क्योंकि बच्चे ऐसी गलती करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेते हैं लेकिन ढंग से वॉच नहीं करते। अगर आप एक्टिव सब्सक्राइबर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप एक्टिव सब्सक्राइबर नहीं है तो आपके पास पहले से बहुत लिस्ट है, किसी पर भी विजिट करिए। अभी इस पर मन कर रहा है तो उसको कर लीजिए, कल बी पे मन करेगा आपका चैनल बी पर तो बी पे करना है, XYZ दुनिया भर की लिस्ट आपके सामने, आप किसी को भी वॉच करिए। लेकिन ये पढ़ाई करने का तरीका कहीं ना कहीं नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए विद्युत धारा एक्चुअली होती क्या है, देखिए विद्युत धारा जो होती है ना कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा। एग्जाम में तो आपका ये डेफिनेशन नहीं पूछेगा, किसी भी एग्जाम में आपसे ये डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा आपका विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। आपको फोकस करना है SI मात्रक में, कि इसका SI मात्रक जो है वो है एम्पियर। आपको अपनी बुक में ये हाईलाइट करना है, और साथ में अपने किसी और पेन से इस एम्पियर को हाईलाइट करना है। और ये एक्चुअली जो एम्पियर होती है ये किस प्रकार की राशि होती है, तो ये होती है आपकी अदिश राशि। अब आगे बात करते हैं हम लोग प्रतिरोध के बारे में, कि प्रतिरोध क्या होता है, कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और इसका प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, इसका प्रतिरोध मात्रक होता है ओम, राइट। ये सब चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। SI मात्रक राशि अदिश है, सदिश है, कौन सी राशि है, तो ये राशि के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस करा था। और यहाँ पे जो आपका SI मात्रक है इसका ओम है। अब बस ये सब चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं, सबको ना पढ़ें तो भी चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर आपको जरूर पढ़नी है, कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है।
तो ये एक विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर, शक्ति कहते हैं, उसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और 1 किलोवाट घंटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पियर मल्टीप्लाई घंटा अपॉन में 1000। अमीटर क्या होता है एक्चुअली? देखिए अमीटर होता है कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, और एम्पियर में मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करा जाता है उसको बोलते हैं अमीटर। ठीक है, ये अमीटर एक यंत्र का नाम है। अब देखिए विद्युत फ्यूज होता है, जब आपके पास आप कहते हैं फ्यूज सूख गया, लाइट ज्यादा आई, लाइट कम आई, हमारा फ्यूज खराब हो गया, तो विद्युत फ्यूज जो होता है उसमें छोटी सी पतली सी एक वायर लगती है, ठीक है, जिसका गलनांक क्या होता है, उसका गलनांक काफी कम होता है। वोल्टेज हल्की सी भी अगर फ्लक्चुएट होगी, ज्यादा होगी, तो सबसे पहले वो पतला सा तार बीच में ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और घर की जो लाइट होगी वो सब ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, अगर गलनांक कम होगा तो आपके जो भी आइटम है घर में इलेक्ट्रिसिटी के, वो सब खराब होने से बच जाएंगे, फूकने से बच जाएंगे। तो विद्युत फ्यूज ये होता है, आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी, लेकिन शायद आपको ये चीज़ ना पता होगी इसमें टीन कितना परसेंट होता है, इसके तार में जो लगता है अंदर बीच में, तो उसमें शीशा कितना होना चाहिए कि एग्जैक्ट उपकरण की सुरक्षा करने के लिए विद्युत फ्यूज में प्रयोग किए जाने वाले जो वायर होती है उसमें कितना परसेंट टीन होता है, कितना परसेंट शीशा होता है। तो टीन जो होता है वो होता है 63% और शीशा होता है 37%। इन सब मात्राओं को मिक्स करके बनता है टोटल कितना, 100%। तो एक तार तैयार, ये होती है मिश्र धातु का बना होता है। तो एग्जाम में कभी कभी आपसे ये क्वांटिटी पूछ लेता है, तो इसलिए इसको आप याद रखना। ट्रांसफार्मर क्या होता है? देखिए ट्रांसफार्मर का काम होता है कि हाई एसी को लो में कन्वर्ट करना, अगर लो एसी होगा तो उसको हाई में कन्वर्ट करना। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है कौन, क्वेश्चन मार्क। ये इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको याद रखना है ट्रांसफार्मर। अब देखिए माइक्रोफोन क्या होता है कि यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये सभी जो हमने डिस्कस करा था अपने शायद पार्ट 2 में या पार्ट 3 में हमने डिस्कस करा था, समतल दर्पण, आपको बता देता हूँ मैं कौन से पार्ट में होगा ये। ये है आपका पार्ट 1 में, ठीक है, पार्ट 1 में ये सब टॉपिक थे, आप देख लीजिए एक बार। अगर आपको ये टॉपिक पहले से आते हैं तो वीडियो को वॉच मत करना, अगर टॉपिक नहीं आते, आपको किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर आप देखना, ठीक है। पार्ट 3 में हमने ये डिस्कस करा था, अब ये था आपका पार्ट 4। ये मैं उनको दिखा रहा हूँ वीडियो जो पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं शायद वो इस चीज़ से बोर हो गए होंगे, तो फिलहाल बोर मत होइए, अपने साथ साथ सबका सोचिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि माइक्रोफोन के बारे में बता दिया, अब हम बात करते हैं चुंबकत्व के बारे में, कि प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड होता है। तो लोहे का ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, एग्जाम में ये सूत्र पूछ लेता है, तो उसको याद रखना आप लोग। और चुंबक जो होती है लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, चुंबक की ओर कौन आकर्षित होता है, कॉमन सी बात है, लोहा, और इसी गुण को कहते हैं चुंबकत्व। मैं चुंबक चुंबक कब होगी, जब वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करेगी, वरना वो चुंबक नहीं है, वरना वो लकड़ी है, प्लास्टिक है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं चुंबकत्वीय अक्ष। और चुंबक के क्षेत्र क्या होती है, चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। फिर अभी अब यहाँ पर क्यूरी ताप क्या होता है, देखिए क्यूरी ताप वह ताप होता है जिसके ऊपर पदार्थ अणुचुंबकीय एवं जिसके नीचे पदार्थ लोह चुंबकीय होता है। लोहा एवं निकिल के लिए क्यूरी ताप का मान कितना होता है, लोहे एवं निकिल के लिए क्यूरी ताप कितना होता है, तो ये होता है 770 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 358 डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड सेल्सियस, बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो, दोनों में फर्क क्या होता है। अब देखिए परमाणु एटम क्या होते हैं, देखिए एटम वो होते हैं कि परमाणु में सूक्ष्मतम कण हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। परमाणु मुख्यतः 3 मूल कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, और परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहते हैं।
इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। कैथोड किरण जब विसर्जन नलिका के सिरों पर 20 किलो वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है और उसका दाब 0.1 मिलीलीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है। तो देखिए कैथोड किरण क्या होती है, तो उसके कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन पुंज निकलने लगता है, इसे ही हम बोलते हैं कैथोड किरण। अब देखिए ये छोटी सी डेफिनेशन थी क्या होता है, लेकिन हमको इसके गुण क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए कि कैथोड किरण को केवल गैस का प्रयोग करके पैदा किया जाता है। तो कैथोड किरण का प्रयोग किसके द्वारा होता है, तो आपसे ये पूछता है एग्जाम में, तो ये होता है गैसों के प्रयोग के द्वारा। और कैथोड किरण किस प्रकार की किरण होती है, क्या वो दिखाई देती है? नहीं। पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो ये होती है अदृश्य होती है। ये कैसी जलती है, इनकी चाल कैसी होती है? इनकी चाल होती है बिल्कुल स्ट्रेट। कैसी होती है? बिल्कुल स्ट्रेट। और कैथोड किरणें कैसी होती हैं, प्लस में माइनस में? ये होती हैं आपकी ऋणात्मक। अब देखिए कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का कितना गुना होता है, क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है आपके एग्जाम में, तो ये होता है 1/10 गुना। अब देखिए जब कैथोड किरण किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे टंगस्टन पर गिरती है तब क्या होगा, तब होगी एक्स किरणों की खोज, तब होगी एक्स किरणें उत्पन्न। तो कैथोड किरणों के द्वारा अगर आपको एक्स किरणें उत्पन्न करनी हो तो हमें वो किरणें किससे टकरानी पड़ेंगी, किसके ऊपर गिरानी पड़ेंगी अपनी कैथोड किरणें, तो वो होगा आपका टंगस्टन। याद रखना धातु का नाम टंगस्टन। एक्स किरणें उत्पन्न होती है जब कैथोड किरणें इसके ऊपर गिरती हैं। डायोड वॉल्व, डायोड का आविष्कारक कौन है? तो ये है फ्लेमिंग, और इन्होंने आविष्कार करा था 1904 में, और जिस पर बोरियम ऑक्साइड का लेप होता है। देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं चलिए। यह एक निर्वात नलिका है जिसमें केवल दो ही इलेक्ट्रोड तंतु एवं प्लेट होते हैं। तंतु टंगस्टन का एक पतला सा तार होता है जिस पर बोरियम ऑक्साइड की लेप होती है। आप चाहें तो ये बाकी डिटेल पढ़ सकते हैं, टाइम है तो अपनी बुक में आप देख लीजिएगा इसको, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने आपको इसको स्किप करवाया है। देखिए अति चालकता क्या होती है, इसकी खोज कब हुई थी? डायरेक्ट आपसे पूछता है एग्जाम में खोज कब हुई थी, तो हमको कुछ स्टैंडर्ड चीज़ों की खोज के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी खोज कब हुई थी। तो इसकी तो खोज हुई थी 1911 में। और 4.2 केल्विन क्या होता है, इस पर जो होता है पारा अति चालक बन जाता है। पारा अति चालक कब बनता है, ये बनता है 4.2 केल्विन पर। देखिए घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम क्या होता है, इसका काम होता है दाब विद्युत प्रवाह पर ही आधारित होता है। अब देखिए रेडियो सक्रियता, कि रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बेकरल पी क्यूरी एम क्यूरी ने किया था। इस खोज के लिए इन तीनों को एक संयुक्त नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और अगला जो पॉइंट है वो है कि गामा किरणें क्या होती हैं। गामा किरणें हमेशा अल्फा और बीटा किरणों के बाद ही उत्सर्जित होती हैं, ठीक है? इन दोनों के बाद ही क्या होगी, हमेशा गामा किरणें उत्सर्जित होंगी। और सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व जैसे अल्फा बीटा गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद अंततः सीसा में बदल जाता है। अगर इन सबका उत्सर्जन होगा उसके बाद में क्या होगा, ये सभी चीजें एक सीसे में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीसा में बदल जाएगा। उसके बाद देखिए कि जो जीवाश्म मृत पेड़ पौधे होते हैं उनकी आयु का पता हम किस प्रकार से लगाते हैं, उनका आयु का पता लगाते हैं हम कार्बन-14 के द्वारा। एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन ये पूछता है कि जीवाश्म जो होते हैं मृत पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी आयु का पता हम किसके द्वारा लगा सकते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन देगा, तो यहाँ पे जो है वो है कार्बन-14, याद रहेगा कार्बन-14 बिल्कुल रहना चाहिए, कार्बन-14 याद, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्राप्त हो रही है जिसके फलस्वरूप सूर्य का द्रव्यमान क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है। और आंकड़ों के अनुसार सूर्य से पृथ्वी को प्रति सेकंड पहुंचने में इतनी जूल की ऊर्जा प्राप्त होती है, कितनी? 4×10^26 जूल, इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए नाभिक के विखंडन एवं नाभिक के संलयन क्या होता है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं इस बुक में कि नाभिक के विखंडन, सबसे पहले टॉपिक हमारा नाभिक के विखंडन, कि वह नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो भागों में टूट जाता है। एक हैवी नाभिक क्या होगा, दो भागों में टूट कर अलग अलग हो जाएगा, उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। और इस नाभिकीय विखंडन के द्वारा क्या होगा, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होगी। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन किसने करा था, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए, उस वैज्ञानिक का नाम है
स्ट्रॉसमैन एवं हॉर्न, और इन्होंने जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बमबारी की तो पाया कि यूरेनियम के नाभिक दो खंडों में डिवाइड हो जाते हैं और एक भारी मात्रा में ऊर्जा को भेजते हैं, मतलब फेंकते हैं, उसमें से ऊर्जा निकलती है हैवी मात्रा में। तो यूरेनियम क्या है? 235 किससे संबंधित है? नाभिकीय विखंडन से। राइट, बड़े आगे, बिल्कुल। अब देखिए परमाणु बम, परमाणु बम क्या था? परमाणु बम सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी पर फेंका गया था। कब फेंका गया था? 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को। और इसमें क्या होता है? इसमें परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम ये तथा प्लूटोनियम का प्रयोग करा जाता है। तो दोनों ही की फिगर एग्जैक्ट क्या है वो आप याद रखना है उसको। और हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे उन दोनों बम के स्टैंडर्ड नाम दिए गए थे, ठीक है? तो ये दोनों नाम बम के क्या थे मैं कई बार आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। घटना चक्र की जो बुक थी जीके की, उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था और आपने देखा भी था कि कितनी बार ये क्वेश्चन उन सब वीडियो में आया था। अगर आपने घटना चक्र की वीडियो नहीं देखी है तो अगर आपको पता है इसका राइट आंसर तो उसका डायरेक्ट इन दोनों बमों का नाम भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको नाम नहीं पता है तो शायद आपकी कमजोरी कहीं ना कहीं जीएस को लेकर के चल रही है। कमजोरी को कैसे दूर करना है, क्या दूर करना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बुक को पढ़िए, ढंग से रिविजन करिए, सिंपल सी बात है, जो वीकनेस है वो खत्म हो जाएगी। अब देखिए नाभिक रिएक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या होते हैं कि रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या क्या प्रयोग करा जाता है। तो रिएक्टर में जो होता है ईंधन के रूप में प्रयोग करा जाता है 235 यूरेनियम एंड 239 प्लूटोनियम। तो ये दोनों प्रयोग करके रिएक्टर में ईंधन बनता है। और रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। तो दोनों चीज़ें याद करना, मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट और ईंधन के रूप में यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। अब हम बात करते हैं नाभिक के संघटन के बारे में। नाभिक के संघटन एक्चुअली क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक, मतलब वहाँ थे हैवी नाभिक, यहाँ पे क्या है, हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। वहाँ पे भारी नाभिक दो भागों में डिवाइड हो रहा था। विखंडन का मतलब क्या होता है? खंडन। खंडन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। कोई चीज भारी है वो टूट गई, उसका विखंडन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? नाभिक के संघटन, दो हल्के हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक बनाएंगे तो इसके द्वारा अत्यधिक ऊर्जा क्या होगी? विमुक्त होगी। तो इस प्रक्रिया को, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। राइट, अब देखिए सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। तो यह है नाभिकीय संलयन। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट यही पूछता है क्वेश्चन। अब देखिए हाइड्रोजन बम क्या होता है? अगर एक तरफ परमाणु बम हो, एक तरफ वो हाइड्रोजन बम, और आपसे ये बोला जाए कि आपको किसी देश को तबाह करना है, ठीक है, और आप काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड इंसान हैं, आपको मजबूरी है कि आपको कोई देश से कोई शहर तबाह नहीं करना। आप ये मान लीजिए कि दो मुजरिम है, चलिए छोड़िए एग्जाम्पल छोड़िए, मतलब कि फाइनली ये है कि अगर आपके पास दो बम है, आपका दिल काफ़ी सॉफ्ट है, तो आप सबसे सॉफ्ट बम चूज करेंगे, ठीक है, वहां पर। तो आप परमाणु बम यूज करेंगे या हाइड्रोजन बम? पढ़ लीजिए मेरे कहने का मतलब, क्या समझ गए होंगे। देखिए हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो करा था वो करा था अमेरिकी वैज्ञानिक ने 1952 में। और हाइड्रोजन बम किस क्रिया पर आधारित होता है? तो ये होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा ये हाइड्रोजन बम बना होता है। और यह है बम परमाणु बम की अपेक्षा में 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बम जो है वो परमाणु बम से भी क्या है? बहुत ही खतरनाक होता है। तो आप चूज करेंगे परमाणु बम अगर आपको कम हानि पहुंचानी है, ठीक है, तो वहाँ पे आप यूज करेंगे परमाणु बम। अगर आपको ज्यादा हानि पहुंचानी है कहीं पर तो वहाँ पे आप यूज करेंगे हाइड्रोजन बम। राइट, तो देखिए कितना गुना होता है शक्तिशाली, ये होता है 1000 गुना। ये आपका स्टेट के पीसीएस एग्जाम पेपर वन में, जीएस पेपर वन में वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्ट यही फिगर पूछता है। पर नाभिक के संलयन, ये सब जो पॉइंट मैं आपको अभी करवाए हैं इस वीडियो में, ये सभी पॉइंट आपने हाईलाइट करने हैं। और इस वीडियो को एक बार और अभी तुरंत वॉच करना है। अगर डाटा की टेंशन है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको जो सुटेबल लगे वैसा करिए। अगर डाटा की टेंशन नहीं है तो मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को एक बार और प्ले करिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी आप यूज़ करते हैं, नेटवर्किंग साइट वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं उसके माध्यम से इसको शेयर करना मत भूलना, ठीक है। खुद भी पढ़िए और को भी पढ़ने का मौका दीजिए। किसी की हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप आज किसी की हेल्प कर रहे हो तो क्या पता आपकी फ्रेंड आपकी हेल्प करे या वो फिर किसी और की हेल्प करे। तो हेल्प करने का सिलसिला ख़त्म नहीं होना चाहिए।
जो काफ़ी हद तक अब हो रहा है कॉम्पिटिशन्स, जो आपकी लाइन है तो वहाँ पे आपका ही एक कॉम्पिटिटर सामने खड़ा हुआ है, तो वो आपको कहीं ना कहीं चाहेगा कि आप थोड़े मिसगाइड हो जाओ। मैं देख रहा हूँ आजकल ये चीज़ हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं नहीं चाहता कि ये गलत फीचर आप अपने अंदर ऐड करो। फॉर्म निकलता है, लोग फॉर्म नहीं बताते दूसरे को, यार फॉर्म निकला है वहाँ पर, वो परेशान है जो आपको लेकर, कोई लेकिन फॉर्म के बारे में नहीं बताता, चुपचाप फॉर्म भर देते हैं। और वो पूछता है तो उसने भरा फॉर्म, लेकिन भरते हुए बंदा बोलता है कि नहीं यार लास्ट डेट थी चली गई वो, तो मैं भूल गया। देखिए इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उसको माइंड से निकाल दो, जिसका होना होता है उसका सिलेक्शन होता है, आपके कहने से ना कहने से कुछ नहीं होता, वो अपनी मेहनत कर रहा है, आप अपनी मेहनत करो, आप शेयर करो इस वीडियो को मैक्सिमम, बाकी उसका लक उसकी मेहनत बाकी आपकी मेहनत, ठीक है। तो मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, और एक बात मैं और कहूँगा आपसे कि अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पेटीएम के माध्यम से, क्योंकि एक वीडियो रिकॉर्डिंग करने में कुछ बेसिक नीड होती है, बेसिक खर्चे होते हैं, तो वो पूरा करने के लिए कुछ हेल्प की आवश्यकता होती है। तो ये मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, अगर आप स्टूडेंट तो आप पेटीएम बिल्कुल नहीं करेंगे, आप करने की सोचेंगे भी नहीं, साफ साफ ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट नहीं, हम्बल धमकी है ये मान लीजिए, ठीक है। और जो लोग अगर वर्किंग हैं, प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, तो वो लोग पेटीएम कर सकते हैं, उनकी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वो अर्नर हैं। अगर एक स्टूडेंट उसको पेटीएम करता है तो मैं साफ साफ उनको मना कर देता हूँ कि वो पेटीएम ना करें, क्योंकि तो वो कहीं ना कहीं से अपने पेरेंट्स से पैसा मांग रहे हैं, और वो यहाँ पे आके डोनेट करें तो वो सही नहीं है, वो गलत है। पहले आप तैयारी करिए, पढ़िए, जॉब लीजिए, उसके बाद में सोचना, ठीक है। और इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, शेयर कर दो फटाफट, ठीक है, ओके, बाय बाय।